Assalamualaikum my YouTube family. I hope so you all are doing well. As you know that मैं हूँ सोनिया तहरीर और आज आप लोगों के लिए लेके मैं एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे मौलाना तारिक जमील के बेटे के बारे में जिनकी डेथ हो चुकी है असिम जमील की। तो आप जो है मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रही थी, हर किसी का पर्सनल मैटर है और डेथ पे बात करना मेरे नहीं ख्याल में कोई एक अच्छी चीज़ है। बट मैंने बहुत सी जो है पोस्ट देखी हैं, यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी हैं और पोस्ट पे देखे जिसपे कुछ ने तो दुख का इजहार किया लेकिन कुछ ने जो है इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद किया अपने आप के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपने आप को जो है फेम में लाने के लिए जो ऐसी बातें की गई हैं जी। उसमें ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे कि उनके चचा का या चचाजाद भाई का बयान आया था कि उन्होंने वो डिप्रेशन के मरीज़ थे और बचपन से ही मरीज़ थे और अब जो है उन्होंने खुद को खुद ही गोली मारी है। तो ठीक है, ये उनका पर्सनल मैटर है कि वो डिप्रेशन के मरीज़ थे। अक्सर मैंने पोस्ट पर ये देखा है कि इस्लामिक घर में डिप्रेशन का मरीज़, क्या आप लोगों के घर में कोई डिप्रेशन का मरीज़ नहीं है? अगर नहीं है तो ज़रा फाइंड आउट करें, मे बी होगा। और क्या आप लोगों का घराना इस्लामी नहीं है? तो आप जो लोगों पे बातें कर रहे हैं कि इस्लामी घर में डिप्रेशन का मरीज़, ये बाहर तो लोगों को ये सिखाते हैं वो सिखाते हैं, खुद के घर में तो ये चल रहा था वो चल रहा था, भाई हर किसी का पर्सनल मैटर होता है। जिसमें एक एंकर है नाज आई थिंक उनका नेम है, उस पर वो मौलवियों को बिठा के उनसे ये पूछ रही हैं कि ये गुनाह तो नहीं हुआ ये वो। और बीबी पहले जो तू सारा दिन जो है खुद बट्टे के बगैर बैठती है, क्या वो गुनाह नहीं है? तुझे जो है आपको बहुत से लोग देखते हैं, क्या वो गुनाह में नहीं आता है, शामिल नहीं होता है? क्या यही चीज़ गुनाह में शामिल? अगर आपको ये लगता है कि ये सब कुछ गुनाह में शामिल नहीं है तो काइंडली पहले जाके आप लोग कुरान खोल के वो तो पढ़ लें, पहले औरतों के बारे में तो पढ़ लें कि हमारी जो सहाबा इकराम उम्मुल मोमिनीन थी तो उनका क्या किरदार था। सो काइंडली मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उनकी पर्सनल लाइफ पे इंटरफेयर ना करें, उन पर बैठ के तबसरे ना करें। पता नहीं वो लोग किस करब से गुजर रहे हैं और आप लोग बैठ के जो है वहाँ पर गुनाह की और ये वो बातें कर रहे हैं जो कि बहुत ही एक कह लो कि नज़ेबा हरकत हैं, जिसपे मौलाना तारिक जमील ने भी बहुत से बयान दिए हैं कि वो उनका एक लाडला बेटा था और मेरे नहीं ख्याल में उन्होंने खुदकुशी की है। क्योंकि मौलाना तारिक जमील ने किसी भी बयान में ये नहीं बताया कि वो डिप्रेशन का मरीज़ था, वो तो यही बता रहे हैं कि वो बहुत लाडला उनका बेटा था और गरीबों की मदद करता था। पहले आप लोग पूरी तहकीकात कर लिया करें फिर बात की। तो जवान बेटे की मौत देखना, ये वही जानता है जिस पे गुजरी हो, वही जानता है जिस पे गुजरी हो। मेरे मुकद्दर में था, मैंने हमेशा दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे औलाद का सदमा न दिखाना, ये हमें उठा के ले जाएं, हम इन्हें ना उठाएं। लेकिन अल्लाह की तकदीर वो गालिब है और हमें उस पर राज़ी होने का हुक्म है। मेरे नबी की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक अर्रिदा बादा अल-क़ज़ा, या अल्लाह तो अपनी तकदीर पर मुझे राज़ी कर ले। तो बिल्कुल हम राज़ी हैं, मेरे सारे ख़ानदान वाले राज़ी हैं, लेकिन जो एक ज़ख्म लगा है वो बहुत गहरा है, वो इतनी जल्दी भरेगा नहीं। ये मेरा बेटा सबसे काबिल और लायक बेटा, तीनों बेटों सबसे लायक बेटा, वो सबसे नेक बेटा था और इसने गरीबों के साथ क्या सलूक करना है इसने हमें सिखाया। गरीबों के इसने दिल खरीद लिए थे, उनके साथ बैठ के खाना खाता था, उनको अपनी कीमती गाड़ी में बिठाता था, जो लोग अपनी गाड़ी के करीब किसी को ना गुजरने दें वो उनको उन्हीं गंदे कपड़ों के साथ, जहाँ एक पागल रहता है वो मैले कुचैले गंदे कपड़े पेशाब बीच में किया हुआ उसको उठा के और अपनी गाड़ी में बिठाता था। वो सारी सीट ख़राब हो जाती थी लेकिन वो उसको अपनी फैक्ट्री में ले जाता, फिर नाई को बुलाकर उसके बाल कटवाता, उसको नहलाता, उसके कपड़े बदलवाता। इस पूरे गांव में
वो पागल सिर्फ एक शक्ल को जानता है और एक नाम को जानता है। वो नाम तो पुकारने सकता था, कहता मियाँ मियाँ मियाँ, ये उस ये सिर्फ एक इस आसिम जमील को वो जानता है जो आज हमसे रुखसत हो गया और यहाँ हम बेबस हैं और अल्लाह की तकदीर पर हम राजी हैं। और सईद मन वादा गैर ही, मौत से अपनी मौत को याद करना चाहिए कि एक दिन मेरे ऊपर भी ये आएगा और मेरा भी सांस निकलेगा और ज़िंदगी का धागा टूटेगा। ये इस बच्चे ने वो काम किया इलाके में जिसको मैं अपनी तारीफ ना हो जाए, ये अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने इसको अपने पास बुलाया। अगर उस लड़के ने खुदकुशी भी किया, अल्लाह उसको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए, उसके सारे गुनाहों को माफ़ करे। अगर नहीं की तो काइंडली पहले उसकी तहकीकात करें फिर इस टॉपिक पे बात करें, ना कि किसी की दिल आजारी हो ना कुछ और हो। पता नहीं उनकी फैमिली किस कर्ब से गुजर रही है, कितना उनको बड़ा धचका लगा है उनका लाडला बेटा। आपकी एक चीज़ खो जाए तो आप लोग कितने परेशान हो जाते हैं, और वो फिर उनके वो बैठे थे। तो काइंडली मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले बात की तहकीकात किया करें, फिर बात आगे पहुँचाया करें। और ये जो फेक न्यूज़ और ये सब कुछ ला रहे हैं, काइंडली सब कुछ बंद करें।